हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सीटेट 2019 एग्ज़ामिनेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट 2019 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर आ रही है बोनस मार्क्स के रिगार्डिंग। आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को सारा देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं बोनस मार्क्स के रिगार्डिंग। देखिए हुआ क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने हमको मैसेज करके और हमने वीडियोस भी बनाई थी उन पर कमेंट करके ये बताया है कि उन लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया है तो उस पर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे कि एक से ज़्यादा आंसर जो सही थे, और एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसका कि आंसर ही सही, कोई भी ऑप्शन जो है थी वो सही नहीं थी। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है उन लोगों के लिए, ये अच्छी खबर हो सकती है जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, तो उन लोगों को बोनस मार्क्स का यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनको इन क्वेश्चन पर जो है बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बोनस मार्क्स वाली बात आप लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया उनको तो यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जिनका एग्ज़ाम थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम और जो बोनस मार्क्स के रिगार्डिंग खबर है ये काफ़ी अच्छी होने वाली है। हालाँकि यहाँ पर अभी कोई ऑफिशियल नहीं आया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से वो क्वेश्चन थे, आपको भी ऐसे किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट है या नहीं है, कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन की बात यहाँ पर चल रही है। जैसे ही कोई ऑफिशियल इसके बारे में जानकारी आएगी या फर्दर कोई जानकारी आएगी, सबसे पहले आपको हम अपने चैनल पर बना करके बता देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।